राजस्थान विधानसभा चुनाव समेत सभी 5 राज्यों के नतीजे घोषित होने में अब बस महज कुछ घंटे का ही वक्त बाकी रह गया है। एग्जिट पोल के अनुमानों ने कांग्रेस बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। राजस्थान में चुनावी नतीजों का रोमांच बढ़ चुका है। अब राजस्थान एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस को लेकर अंदाजे लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जिट पोल सर्वे इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान के चुनावी संग्राम में मुकाबला नेक टू नेक रह सकता है, लेकिन बाजी मारेगा कौन इस पर सटीकता से कोई कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन समीकरणों और अंदाजों के मुताबिक कुछ अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जाने लगे हैं। इन्हीं में से कुछ अनुमान राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को लेकर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिख रही कांग्रेस अगर ये मुकाबला हार जाती है तो इसके पीछे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐसी 5 बड़ी गलतियां हो सकती हैं जो उनके हार के ठोस की वजहों में शामिल हो सकती हैं। चलिए आपको बारी बारी से बताते हैं कि ऐसे कौन से 5 बड़े फैक्टर्स हैं जो राजस्थान में कांग्रेस को संभावित जीत से दूर करने की वजहें बन सकती हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर पार्टी के दूसरे दिग्गज नेताओं के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो सकता है। सचिन पायलट को लेकर डिप्लोमेटिक तौर से अशोक गहलोत भले ही इस बात को जताते रहे हो कि उनसे कोई बैर नहीं, लेकिन दोनों नेताओं ने कई बार अपने बयानों और गतिविधियों से इस बात को सार्वजनिक किया कि दोनों में किस तरह की खींचतान है। इसका असर जाहिर तौर से दोनों के समर्थकों पर भी पड़ा और कांग्रेस के भीतर ही दोनों गुटों के समर्थक और कार्यकर्ता बटे बटे से दिखाई दिए। पिछले 3.5 सालों में ये दूरियां और ज्यादा बढ़ी। सचिन पायलट का डिप्टी सीएम पद गया सो गया, उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं मिली। और तो और ये भी चर्चाएं रही हैं कि अशोक गहलोत ने नाराज सचिन पायलट को मनाने की कोई खास कोशिश नहीं की। इसमें दूसरे बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है कि राजस्थान में नौकरियों की तैयारी कर रहे युवा इस चुनाव में गहलोत सरकार से नाराज बताए जा रहे थे। इसके पीछे कारण राजस्थान में 17 बार पेपर लीक होने की घटनाएं हैं। राजस्थान में 18 से 21 साल के युवाओं की संख्या 65 से 70 लाख के आसपास है। संगठित तौर से देखें तो ये किसी भी सरकार को हिला देने का मादा रखते हैं। हालांकि राज्य भर में ये वोट बैंक बेशक बिखरा हुआ है, लेकिन ये नाराज वोट बैंक है जो कांग्रेस के लिए सही नहीं माना जा रहा। अब बात करते हैं तीसरे बड़े फैक्टर की। अशोक गहलोत राजनीति के पुराने धुरंधर हैं। राजस्थान में बागी प्रत्याशियों को वे मनाने की कोशिश करते नहीं दिखे और ना ही ऐसी कोई खास चर्चा सामने आई। इसके पीछे कयास ये लगाए जाने लगे कि वे खुद चाहते हैं कि पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में ना आए, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत मिला तो सरकार बनाने की चाबी कांग्रेस आलाकमान के हाथों में चली जाएगी। जबकि अल्पमत में रहने पर वे अपने राजनीतिक कौशल से जोड़ तोड़कर सरकार खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में उनका महत्व और सीएम पद के लिए दावेदारी भी बनी रह सकती है। हालांकि ये तमाम चर्चाएं मात्र हैं। अब बात करते हैं चौथे बड़े फैक्टर की। राजस्थान में कांग्रेस की संभावित जीत पर अगर हार हावी होती है तो इसके पीछे एक और बड़ी वजह नौकरी पेशा लोगों की परेशानियां और उससे जनता को होने वाली तकलीफें हो सकती हैं। दरअसल राजस्थान में बहुत से पद सालों से खाली पड़े थे जिन्हें चुनाव के आसपास भरने और वाहवाही लूटने की कोशिश हुई, लेकिन इस पूरे समय के बीच कामकाज प्रभावित होता रहा जिससे नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ा, तो वही पब्लिक सर्विस भी कुछ हद तक प्रभावित होती रही जिससे अशोक गहलोत के प्रति नाराजगी भी बढ़ी। अब बात करते हैं पांचवें लेकिन बड़े फैक्टर की। गहलोत सरकार अपनी योजनाएं लागू करने और उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर ना उतार पाने को लेकर भी आलोचनाओं का शिकार होती रही है। उन्हीं में से एक राज्य की 25 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का वादा भी था। 25 करोड़ में से 40 लाख महिलाओं को फोन देने का दावा किया गया, जबकि कहा जा रहा है कि फोन 25 लाख महिलाओं तक ही पहुंचे। इस तरह से योजनाओं का असरदार या पूरी तरह से सफल न होना भी उनकी संभावित हार के कारणों में से एक हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।